शिवराज कैबिनेट का तीसरा विस्तार शनिवार सुबह 8:45 पर होगा। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को मंत्रियों की सूची सौंपी। इसमें रीवा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, बालाघाट से विधायक और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन कैबिनेट मंत्री बनेंगे और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तीनों ही विधायक और उनके समर्थक भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि इससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद विराम लगा दिया था। उन्होंने जबलपुर में मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि विस्तार की बात आपसे ही सुन रहा हूं। हालांकि सीएम के इस बयान के बाद अटकलें चलती रही। पहले शुक्रवार शाम को विस्तार की चर्चा चलती रही और शनिवार सुबह कैबिनेट विस्तार होना तय हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से विस्तार की लगातार अटकलें चल रही हैं। हालांकि अधिकृत रूप से इस बारे में कोई सूचना राज्य सरकार या भाजपा द्वारा नहीं दी जा रही है। शिवराज मंत्रिमंडल में 35 में से 4 पद खाली हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 30 मंत्री हैं। अब आचार संहिता लगने से करीब 1.5 महीने पहले 3 नए चेहरों को शपथ दिलाने की चर्चा है। इससे सरकार जातिगत क्षेत्रीय समीकरण को साधने के साथ ही नाराजगी दूर करना चाहती है। पिछले 2 दिन से शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार अटकलें लग रही। इसमें राजेंद्र शुक्ल और गौरी शंकर बिसेन का नाम पहले से तय माना जा रहा है। अब तीसरे मंत्री के रूप में राहुल लोधी के नाम पर सहमति बनने की चर्चा है। पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ल का नाम नए मंत्रियों की शपथ में सबसे आगे चल रहा है। रीवा में जन्मे शुक्ल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे 2003 में विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय हुए। इसके बाद 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव जीता। 2013 में शुक्ल मंत्री बने। 2018 में भी चुनाव जीते। शुक्ल बिंध में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बिंध में कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिलती दिख रही। आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही। सिंगरौली महापौर सीट पार्टी के हाथ से निकल गई। इस क्षेत्र में पार्टी के प्रति नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में भी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में अब शुक्ल को मंत्री बना करके पार्टी क्षेत्र की जनता को साधने की कोशिश में है। पूर्व मंत्री विधायक गौरी शंकर बिसेन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अभी वो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 1952 में जन्मे गौरी शंकर बिसेन का जन्म बालाघाट में हुआ। गौरी शंकर बिसेन 7 बार विधायक और लोकसभा का चुनाव जीते हैं। बिसेन 1985 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1990-1993 में बालाघाट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीता। 1998 उनकी पत्नी बालाघाट से विधानसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। बिसेन लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने दोबारा 2003 से लगातार बालाघाट की सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। महाकौशल में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर हैं। बिसेन को मंत्री बनाकर के ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। राहुल सिंह लोधी 1 बार के विधायक हैं। वो 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। लोधी वोटरों को साधने के लिए युवा चेहरे और पहली बार के विधायक राहुल लोधी को मौका दिया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।